हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। आज मैं आपके साथ में बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको कोई भी बना सकता है, जिसने कभी ना बनाई हो वो भी एक बार में इसको परफेक्ट बना सकता है। काफ़ी दिन हो गए थे, 10-12 दिन से आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। तो आज बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। तो चलो आज की बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी बनाना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लिया, उसमें मैं एक चम्मच भर के ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल सरसों का ऐड ना करें, उसके अलावा आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। और साथ ही मैं उसमें ले रही हूँ एक कप, मतलब जितना हमने ऑयल लिया है उसका आधा मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और जितना हमने दही लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें शक्कर का बूरा ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसको, अगर हेल्दी बनाना चाह रहे हो, प्योर हेल्दी, तो आप इसमें मिश्री का पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आप चम्मच से या विस्कर से किसी से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब इसको अच्छे से फेंटना है कि बिल्कुल क्रीमी वाला टेक्सचर इसमें आ जाए, तो बस मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैं इधर दूसरा वाला बोल ले रही हूँ, उसमें मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा। आपको जितना बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच के लगभग इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें दोनों चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और 1/4 चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसमें 1 पैकेट इनो ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर हो तो आप ये ज़रूर से ऐड करना है, क्योंकि इससे इसका टेक्स्चर अलग आएगा, इनो से थोड़ा टेस्ट अलग आएगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चारों चीज़ों को। उसके बाद देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए इधर इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था पहले वाले पेस्ट को। तो बस इसमें हमें थोड़ा थोड़ा आटा इसमें मिलाते जाना है और एकदम से स्मूथ पेस्ट इसका बनाना है। सारा आटा हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना। इसी बीच में आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद या बनाने के बाद में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि आपके पास मेरी ऐसी डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आटा मिला के इसका एकदम इस तरीके का पेस्ट बना लिया है। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है तो इसमें हमें थोड़ी सी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो इसको पानी से भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमें यहाँ पे दूध की क्वांटिटी बहुत ही कम लगेगी, मतलब जैसे 1 गिलास ले रहे हैं तो 1/4 दूध ही हमें इसमें ऐड करना है। उससे ही हमारा बहुत ही अच्छे से बैटर बनके तैयार हो जाएगा। जैसे हम डोसा बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा थिक वाला बैटर रखना है हमें। अब यहाँ पे बैटर तो अच्छे से तैयार हो चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से टेस्ट के लिए इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोई इलायची नहीं खाता है तो आप इलायची स्किप कर सकते हो। आप इलायची की जगह पे यहाँ पे बारीक कट करके ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो देखिए, मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है और बैटर को हमें इस तरीके का रखना है, बिल्कुल ज़्यादा ना तो थिक रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है, बिल्कुल इसी तरीके के रखना है। तो बस बैटर तो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर गैस ऑन करके पहले तवा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मतलब डायरेक्ट पैन चढ़ाएंगे तो पैन में ज़्यादा लगेगी आँच, तो ये जल सकता है नीचे से। तो मैं यहाँ पे तवा चढ़ा रही हूँ, तवे पे मैं इस तरीके का पैन रख रही हूँ। नॉन स्टिक पैन रखिए तो अच्छा होगा, नहीं तो आप किसी और चीज़ में भी इसको बना सकते हो। उसमें मैं एक बटर पेपर लगा रही हूँ और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो हमने बैटर तैयार किया था आटे का, वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको अच्छे से फैला लेना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है। अब बस गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको हमें 40 से 45 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको अच्छे से ढक देना है। अगर आपके पास में कांच वाला ढक्कन हो नॉनस्टिक का तो आप उससे ढके, नहीं तो इस तरीके की प्लेट से आप इसको ढक सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें वजन रख रही हूँ ताकि कहीं से हवा ना जाए अंदर और ये अच्छे से कुक हो जाए। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं इसको हटा के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से कुक हो चुका है। थोड़ा सावधानी से हटाइएगा क्योंकि प्लेट भी ज़्यादा ही गर्म हो गई होगी 30-40 मिनट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल जला भी नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको चाकू से या फिर इसके टूथपिक से इसको चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं लगेगा तो इसका मतलब अच्छे से पक चुका है। अब मैं आपको यहाँ से पीछे से इसको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लेट पे उल्टा कर लिया था इसको, तो देखिए नीचे से भी बिल्कुल नहीं जला था, बटर पेपर रखा था तो नहीं जला था।
अगर नहीं भी रखेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा जलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जलेगा। तो ये अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम एक और तैयारी कर लेते हैं जिससे कि अच्छा टेस्टी लगे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डालने के लिए रबड़ी तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फुल क्रीम वाला एक कटोरी दूध ले रही हूँ। ऐसे दिखाऊँ तो 250 ग्राम ये दूध हो। आप चाहो तो बिना रबड़ी के भी इसको खा सकते हो, क्योंकि इसमें हमने चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो इससे भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे रबड़ी डाल के इसको और ज़्यादा अच्छा बना रही हूँ, मतलब टेस्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध को अच्छे से चलाना है, चलाते रहना है बीच बीच में, और साइड की जो मलाई जम जाए उसको भी हमें दूध में ऐड कर लेना है। 10 मिनट में ही हमारी रबड़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हमारा दूध थोड़ा सा यहाँ पे पक चुका है। यहाँ पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ एक कटोरी। ये मैं ड्राई फ्रूट पैकेट वाले ले रही हूँ। आप चाहो तो जो साबुत वाले ड्राई फ्रूट आते हैं नॉर्मल, उसको भी आप कट करके इसमें ऐड कर सकते हो, जो जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे मैं थोड़े से इसमें केसर के धागे ऐड कर रही हूँ ताकि इससे टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए हमें रबड़ी का इस तरीके का टेक्सचर रखना है। हमें रबड़ी को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद में और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो बस अब चलते हैं इसको हम जो हमारे केक बनाया था आटे का उसके ऊपर सर्व करने। तो यहाँ पे मैं ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे टूथ पिक से इसके छोटे छोटे होल कर रही हूँ ताकि हमारी रबड़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मतलब अंदर तक चली जाए, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे रबड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी रबड़ी करके हमें चम्मच से इस तरीके से इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी रबड़ी ज़्यादा ही थिक हो चुकी थी, इसको थोड़ा पतला ही रखना है हमें ताकि अच्छे से अंदर तक चली जाए। तो देखा ना इसको हमें बनाना कितना आसान है, और ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है, एकदम हेल्दी वाला केक बनाया है हमने। इसको केक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें रबड़ी वगैरह सब ऐड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप क्या नाम दोगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और इसको ठंडा करके आप सर्व कर सकते हो। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर जाना। और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।